न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मलकपेट खैसर हॉस्पिटल के डॉक्टर फरहाना ने प्रेस मीट करते हुए इन्होंने ये तफसीलात बताई है कि इनके हॉस्पिटल में किसी ने आकर इलाज कराया और बिल डिस्काउंट कराने के लिए कुछ हथकंडे चले। अब ये इन पर कुछ इल्जामात भी लगाए। इन इल्जामात के तरदीदी बयान इन्होंने एक प्रेस मीट के जरिए दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फरहाना खालिद, बाय प्रोफेशन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। माशाल्लाह से 21 ईयर्स से मेरी प्रैक्टिस है। मेरे क्वालिफिकेशन MBBS और DGO मैंने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से की है और MSET में 34th रैंकर, स्टेट 34th रैंकर हूँ मैं। और MD मैंने काकतिया मेडिकल कॉलेज, फ्री सीट, वो भी फ्री सीट थी। और 21 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी थोड़े से फैक्ट्स ऐसे मेरे पास आए हैं कि जिसकी वजह से मैं कभी सोशल मीडिया में आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आई थिंक कि लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया है कि मैं सोशल मीडिया में आऊं और बात करूं, नहीं तो मैं कभी भी नहीं आना चाह रही थी। थोड़े ऐसे फैक्ट्स में हॉस्पिटल अपने डॉक्टर फरहाना गालिब खैसर्स हॉस्पिटल के बारे में बात करना चाह रही हूँ, जिस चीज़ से हम सफ़र हो रहे हैं ऑलरेडी। एक्चुअली ये हॉस्पिटल मैंने बनाया था कि मैं खुद एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं चाह रही थी कि मिडिल क्लास लोग यहाँ पर आएँ, इसका फ़ायदा उठाएँ। मैंने कम से कम पैकेजेस में मैक्सिमम फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की और उस मैक्सिमम फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की। पेशेंट को अपना हमदर्द की तरह हमेशा ट्रीट किया है मैंने। कभी भी पेशेंट को मैंने पेशेंट की तरह ट्रीट ही नहीं किया, एज इफ दे आर माई फैमिली मेम्बर्स। आप ये रिकॉर्ड देख ले सकते हैं सिंस 21 ईयर्स। और माशाल्लाह से आज तक मैंने अपने 21 ईयर्स में मैंने कभी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, जो जनरली जैसा होता है हॉस्पिटल के एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ अपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने बलबूते पे यहाँ तक पेशेंट के थ्रू, पेशेंट माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के थ्रू मेरी प्रैक्टिस यहाँ तक आई। मैं शुक्र अदा करती हूँ वो पेशेंट्स को और अपने अल्लाह ताला का जो मेरे को इस लेवल में ला के खड़ा करे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, हाल ही में आपके हॉस्पिटल की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स जो है आपके डॉक्टर के ऊपर जी हाँ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि एक्चुअली वो स्टोरी जो जिस तरह से उन्होंने पब्लिसिटी करे हैं, वो स्टोरी फर्स्ट जब उन्होंने सडनली मेरे पास वो रिपोर्ट लेके आए, वो डिस्चार्ज लेके आए, तो क्योंकि वो एक 10-15-20 डेज़ की रिपोर्ट पहले का डिस्चार्ज था, एकदम से मैं तो कुछ बोल नहीं सकती थी उसके बारे में। डिस्चार्ज लेके मैं भी समझ नहीं पाई कि क्या है ये चीज़ करके, थायराइड की गोली लिखी क्यों गई है करके। लेकिन अब मैं उसकी पूरी स्टोरी एक दो दिन में जब पूरी मैं उसके बारे में जानकारी ली हूँ और CCTV फुटेज हम लोग जब निकाले हैं, तो उसे मालूम चला कि इनो साहब बिल कम कराना पैकेज जो बहुत 48,500 का पैकेज था, वो सिजेरियन का पैकेज कम कराना चाह रहे थे, जिससे उन्होंने रिसेप्शन की बच्ची से लड़ रहे थे। और जब लड़की बच्ची ने बोला कि नहीं, हम ये नहीं पैकेज कर सकते, पैकेज कम नहीं कर सकते, हम लोग अलाउड नहीं है इस चीज़ों के लिए, तो उन्होंने उसके ऊपर ज़बरदस्ती करना शुरू करे, उसके ऊपर प्रेशराइज करना शुरू करे कि आप फ़ौरन मेरे को डिस्चार्ज समरी बना के दो। वो टाइम पे मैं और मेरे ड्यूटी डॉक्टर्स हम लोग दूसरे केस में बिजी थे। वो बेचारे को इतना ज़्यादा उन्होंने वो प्रेशराइज करना शुरू करे कि उन्होंने क्या करे, फटाफट केसशीट ले लेके आए और उसकी फाइंडिंग्स, नेम, एज वगैरह देख के वो तो बना दिए, लेकिन मेडिसिंस का उन्होंने क्या करे, पहले के पेशेंट का डिस्चार्ज का उठा के डाल दिए। ये यहाँ पर थोड़ी बहुत उनकी, हमारे रिसेप्शनिस्ट की गलती है। और जब वो पेशेंट बहुत चिल्लाना शुरू कर दे कि नहीं मेरे को जाना है फ़ौरन बना के दो, तो उन्होंने जाके एक, मैं भी वो केस में थी, तो मेरे पास ड्यूटी डॉक्टर को बुला के मैडम जल्दी से आप इसमें साइन कर दीजिए, लेकिन हमारे पास ऐसा प्रोटोकॉल है नहीं। यहाँ पर कभी भी ड्यूटी डॉक्टर एक प्लेन पेपर पे डिस्चार्ज समरी लिख के देते हैं, जो प्रिंट आउट निकलती है उसमें फिर कुछ भी है तो करेक्शंस देखते हैं, और उसके बाद वो पेशेंट को देते हैं और बोलते हैं पेशेंट को कि आप जाके डॉक्टर के पास जाइए, जो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कब कौन सी मेडिसिन लेना है, क्या करना है। लेकिन ये भाई साहब ना कुछ इतनी रियायत नहीं दिए हम लोग को कि हम कुछ बात कर सके, ड्यूटी डॉक्टर उनको एक्सप्लेन कर सके,
उन्होंने उठाए डिस्चार्ज समरी लेके चले गए, बीवी को लेके चले गए। डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे, मतलब कौन से टैबलेट्स खाना है, लेना है? नहीं कंसल्ट करके चले गए उन्होंने चले गए, जबकि क्योंकि अगर वाकई में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, रिसेप्शन वाले की गलती थी, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, पीटी डॉक्टर की गलती ये थी कि उन्होंने बिना देखे पूरा दरियाफी करे बगैर साइन नहीं करना चाहिए था, वो उनकी थोड़ी बहुत मिस्टेक है और जो मैं एक्सेप्ट करी वो चीज़ को। लेकिन अगर ये चीज़ उन्होंने आके कम से कम ड्यूटी डॉक्टर से बात करके या मैं ओपी में आने के बाद मुझसे बात करके, पेशेंट मुझसे बात करके मेडिसिन के बारे में समझ लेते तो वहीं पे ये मसला सॉल्व हो जाता था। लेकिन उनकी जल्दबाजी से, उनके गुस्से से, उनके पैकेज ना कम करने का गुस्सा, वो सब उठा के इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, पेशेंट चली गई, आफ्टर 18 डेज पेशेंट मेरे पास आई, आके क्या बोले कि जैसे रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं, टाके वगैरह दिखाने आते हैं, तो पेशेंट बीच में टाके खुलाने आई, तभी भी कुछ नहीं बोले पेशेंट मेरे पास। फिर 10 डेज के बाद आए उन्होंने चेकअप के लिए, तभी भी कुछ नहीं बोले। और 10 डेज के, हाँ 10 डेज के बाद जब आए खाली टाके, फिर से रिव्यू हम लोग चेकअप के लिए बुलाते, तब जाके पेशेंट बोल रहे हैं कि मैडम ये थायराइड की गोली कब तक खाना है करके। तो मैं तब चेक कर रही हूँ कि नहीं ये थायराइड की गोली आपके इसमें लिखे कौन है, जबकि आप हाइपोथायराइड है नहीं करके। और सडनली जब उनके मियाँ को उन्होंने जाके बोले तो उनके मियाँ आके, आप तो देखे हैं कि वीडियो वायरल हो गए, और ज़बरदस्ती मेरे ऊपर प्रेशर डाल के एक्सेप्ट करा रहे थे। वो बच्ची बार बार बोल रही है कि थायराइड की गोली मैं 4 दिन से ही खा रही हूँ, मैं इतने दिनों से नहीं खा रही हूँ। लेकिन वो बच्ची को भी मारने चले जा रहे, उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। जी हाँ, CCTV है, फुटेज मैं आप लोग को दे देती हूँ। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो पेशेंट के हस्बैंड का बिहेवियर कैसा है, और वो बेचारी वो बार बार बोल रही है कि मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैडम इतना अच्छा ऑपरेशन करे हुए हैं, आप मत लीजिए आप ये TV। तो उन्होंने बार बार मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, बीवी को मारने जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं अब मीडिया में डालता हूँ। और क्योंकि ये सडन स्टोरी मेरे सामने आई है और उन्होंने बार बार मुझे एक्सेप्ट, क्योंकि प्रिंट आउट मेरे हॉस्पिटल से निकला तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। और मुझे एक्चुअली वो टाइम पे नहीं मालूम था कि ये गलती कहाँ पे किसके किसके हाथ से हुई है, तो मैं खामोशी से मान गई कि नहीं ये प्रिंट आउट निकला है। तो मेरे को लेडी बुर्के पे है, उनके वाइफ है ये। जी हाँ, उनके वाइफ है जो रो रहे हैं, देखिए, और बार बार फोन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके वाइफ ही हैं। ऐसा हुआ और फिर उन्होंने जाके हमारे से कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे शायद, पैसे वगैरह कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे शायद, डिमांड डायरेक्टली डिमांड तो नहीं करे लेकिन इनडायरेक्टली हमारे को बोल रहे थे कि आप मेडिसिन पूरे, क्योंकि वो भी CCTV में आप देख सकते हैं। नहीं, मेडिसिन हमारे पास है, उसका भी CCTV है, वो मेडिसिन हमारे पास से परचेज नहीं करे। नहीं, एक्चुअली थायरेनॉम 12.5 बहुत बहुत सबसे माइनर डोज है, और इससे 4-5 दिन खाने से पेशेंट को कुछ भी नहीं होता, उससे पेशेंट को कुछ भी नहीं होता। और उससे क्रॉस, और मैं बराबर उनको समझा रही हूँ, बाबा इसका बहुत बड़ा मेस मत बनाइए आप, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, और चाहिए तो अभी आपकी वाइफ का टेस्ट भी करवा लेती हूँ, और टेस्ट करा के अपन देखेंगे कि कुछ चेंजेस हैं नहीं है, और खुदा ना खासे अगर कुछ ऐसे चेंजेस हैं तो फिर मेडिसिन भी उस हिसाब से रहते। लेकिन वो बंदा बेचारा सुनने के हो उसमें ही नहीं थे उन्होंने, फिर भी हम क्या करें, टेस्ट तो करा दिए, क्योंकि पेशेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं दिखाया, जब टाके खुलने आए तभी भी उन्होंने मेडिसिन नहीं दिखाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा, बाद में जब मैं पूरा रेट्रोस्पेक्टिव सोच रही थी कि ये पेशेंट, ये हस्बैंड क्यों ऐसा करा, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझसे कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे इससे, और एक छोटी सी बात को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि बिल में मेरे लिए परेशान कर रहे थे, फिर आके यहाँ पर ऐसा परेशान कर रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि लेडी ही अकेली गायनेकोलॉजिस्ट है, कभी सोशल मीडिया पे आते ही नहीं है नो, तो मैं इस तरीके से उनको दबा के मीडिया के ऊपर, मीडिया का नाम प्रेशराइज करके इनसे एक्सट्रैक्ट करूँगा करके, मुझे एक ज़रा सा वो तो समझ में तो आ गया, लेकिन मैंने उनको कुछ उसमें उनको कुछ भी नहीं बोला है, और उनको इस तरीके से मैंने उनको कुछ टाल वो भी नहीं दी कि ठीक है उन्होंने मेरे से कुछ पैसों की बात कर सकें। जैसे उनको लगा कि मैडम सुनने वाले नहीं हैं और एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो उन्होंने बाहर जाके उसको, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले कुछ भी नहीं मिले, तो उन्होंने जाके इस तरीके से मैं उनको एक रेज, एक गुस्से से क्या करें, उन्होंने जाके मीडिया में डाल दिया। नहीं, क्योंकि एक तो रिपोर्ट नॉर्मल रिपोर्ट थी, और इतने कम डोज में एक्चुअली कुछ होता भी नहीं, और पेशेंट खुद बोल रही है कि मैं 4 डेज से खाई, और उन्होंने ज़बरदस्ती से बीवी के ऊपर वो करके बुलवा रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं कि 18 डेज से खाए, लेकिन एक्चुअली पेशेंट खुद हमारे से बोली है कि 4 डेज से खा रही हूँ मैं।
अगर 18 डेज से खाते तो नेचुरली वो जब टाके खुलाने आते तब बात करते थे मेरे से उन्हों 21 ईयर्स में कभी ऐसा कोई इंसिडेंट आपके हॉस्पिटल में नहीं सर? ये मैं तो बहुत सालों से काम कर रही हूँ लेकिन कभी भी इस तरीके से कोई इंसिडेंट आया ही नहीं है, और उसके बाद भी कितने के डिलीवरीज हुए उसके बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ भाई। 26 के बाद बहुत सारे डिलीवरीज हैं। अगर वाकई में अगर ऐसा हॉस्पिटल इतना नेग्लिजेंसी कर रहा था तो उसके पहले उसके बाद भी आना चाहिए था। तो आपका मतलब रिपीटेड आपके जो पेशेंट्स हैं, रिपीटेड पेशेंट्स हैं, कैसा कुछ पेशेंट्स आपके? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट्स बहुत अच्छे पेशेंट्स हैं जो बार बार, वो लोग तो फैमिलीज को ले लेके आते हैं मेरे पास। एक पेशेंट करा के जाता और पूरे फैमिलीज को लेके आता। मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो भी करने वाले हैं अल्लाह करने वाले हैं, और अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है मुझे कि मैंने मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरीज करने की कोशिश की है। ऑपरेशन वालों को भी, कई लोगों को मैंने नॉर्मल डिलीवरीज करें जिसे वीक बैक बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन केसेस भी कई बार करे हैं। तो नेचुरली पेशेंट वो हर एक चीज़ देख के उनके फैमिलीज को लेके आता, इसके लिए पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेरे को कभी। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उमरा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा मेन रोड अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह, मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।